अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खरे होंगे। तो अभी जो है सो हम हमारे लबर्स का जो है सो बॉक्स चेक करते हैं। मुझे लगता है उनके जो है चिक्स हैच हो गए होंगे, तो अभी जो हम चेक करते हैं। और आप जो हमारे कबूतर उड़ाएँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले इनों के जो मैं आपको चिक्स दिखाता हूँ। अरे ये दिखाएँ भाई, ये इनों का जो सो अभी अंदर होंगे शायद। तो अभी इनों का जो सो तो अभी जो है सो इनों का जो सो यहाँ पर मेरे साथ करें कैमरा। तो इनों का सॉफ्ट फूड भी जो सो मैंने बनाया है, तो वो भी इनों को देते हैं। उसके बाद इसका जो हम बॉक्स चेक करते हैं। तो पहले इसका मैं सॉफ्ट फूड दे दूँ, उसके बाद हम इनका बॉक्स चेक करते हैं। तो ये देखें जो सो हमारे कबूतर उड़ के अभी जो सो बैठ गए हैं छतरी पे, और ये जो सो हमारे दो कबूतर यहाँ पे बैठे हैं। और ये सामने देखें जो सो हमारे कबूतर का जो बच्चा है वो सामने जो सो छत पे जाके बैठ गया है। तो इसका हम इंतज़ार करें यहाँ पे आके बैठ जाए, फिर इनको उतार देते हैं। तो अभी जो सो हम लबड़ का सॉफ्ट फूड जो सो बना के उनको दे देते हैं, उसके बाद जो सो हम उनका बॉक्स देखते हैं। मुझे लगता है उनके चिक्स आ गए हैं, तो अभी जो सो हम चेक करते हैं। उनको पहले सॉफ्ट फूड देते हैं, वो खाने आएंगे, उसके बाद जो सो हम बॉक्स देखेंगे। तो यार अभी जो सो मैंने उनका सॉफ्ट फूड बना के इनको जो सो अंदर दे दिया है, और जो सो हमारे लबर्ड्स को दूसरे जो लोटिनों का पैर उसको भी दे दिया है। और ये देखें जो सो अभी तक अपनी मटकियों में जो सो नहीं गए अंदर, ये अभी देखें बाहर जैसे घूम रहे हैं। और ये जो हमारे दो कबूतर हैं इनको हमने नीचे उतार दिया, और तीसरा ये हमारा मेल, इनों को जो सो हमने यहाँ पे बंद कर दिया है। बाकी जो है सो हमारा जो पट्ठा है जो इनों का बच्चा है इसका, फिर वो अभी तक जो सो नहीं आया। दूसरा जी छत में जो जो बैठा था अभी तक नहीं आया। फिर हमने दो कबूतर मक्को जो हमने पकड़ा था वो, और इसका जो सो इसका जो वो है ना मेल, हम दोनों को जो सो ऊपर बैठा दिया है। अब जो पट्ठा देखेगा फिर आ जाएगा नीचे। और अभी जो सो इनों का बॉक्स चेक करते हैं और देखते हैं इनके जो सो चिक्स आए या फिर नहीं आए। तो मैं ऊपर चढ़ता हूँ, आपको इनके चिक्स दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ से देखता हूँ अंदर जो सो बैठे यहाँ पे नहीं बैठे। ये देखें जो सो जो मेल है वो जो देख रहा है यहाँ से, लेकिन चला जाता है, अंदर बैठता ही नहीं यहाँ पे। तो मैं आपको यहाँ से ही दिखाता हूँ। अभी जैसे बाहर आ जाएंगे, ये फीमेल देखें देख रही है। तो ये दोनों अब जो अभी अंदर बैठे हैं, हम जो हम चेक करते हैं क्या है इनका प्रोग्रेस। तो मैं अभी जो सो यहाँ पे ऊपर चढ़ता हूँ, और यहाँ से जो देखता हूँ क्या इनके जो चिक्स हैं यहाँ पे नहीं है। तो अभी जो है सो हमने देखा माशाल्लाह से जो है सो उनकी जो है हैचिंग शुरू हो गई, और अभी जो है दो चिक्स जो है सो माशाल्लाह से हैच हो चुके हैं। तो जो है इंशाल्लाह ये जो है तीसरा जो है सो कल या परसों जो है हैच कर देंगे, फिर जो है हम देखेंगे और जो है आपको भी आगे दिखाएंगे। और जो हमारा जो असील मुर्गी है वो लगता है अपना जो सो दूसरा एक जो है सो देने के लिए ढूंढ रही है। जब हम लेके आए थे तब उसने फर्स्ट एग अपना दे दिया था, अभी लगता है दूसरा एग उसको देना है। कभी यहाँ पे बैठती है, कभी केज के अंदर जाती है। तो अभी उसका जो है हम घोंसला बनाते हैं, नेस्टिंग वगैरह जो है सो ये तगारी आप देखा है रफ भाई, ये सामने जो तगारी पड़ी है इसमें जो हम नेस्टिंग और जो सो बुरादा जो सो डाल के आपको जो हम दिखाते हैं। वो जो स्टोर रूम में पड़ा है तो वहाँ से मैं लेके आता हूँ बुरादा बर्ड्स का, फिर इसमें जो सो रख के और देखते हैं वो जो सो अपने एक अभी ले करती है, फिर कभी जब जगह उसको अच्छी लगेगी तभी ले करेगी। तो अभी जैसे चलते हैं और उसका जो स्टोर रूम से नेस्टिंग लगे लगा देते हैं। तो अभी जो है सो हम चलते हैं वहाँ पर जो सो ये चाबी मैं लेके आया, और राफे ने जो है कबूतरी को बाहर निकाल दिया। मैं उसको बोला था नहीं करो, बहुत मुश्किल से बंद किया है, और इस पागल ने जो सो खोल दिया। तो अभी हम चलते हैं और जो सो हम स्टोर रूम में चलते हैं, आ जाए हम चलते हैं और ये सो नेस्टिंग निकालते हैं। तो अभी जो सो हम ये दर को जो सो ओपन करते हैं, लॉक इसका करते हैं यहाँ पर लटका के। यहाँ पे खुफिया मशीन होते हैं क्या, इसमें पड़ा है नेस्ट बुरा था। तो अब इसका जो निकाल के हम आपको जो रख के देते हैं। तो ये देखिए जो हम इसको भी खोल रहे हैं, इसको जैसे निकालते हैं। ये देखिए जैसे लबर्ड का है, तो अभी इसको जो हम मुर्गी की जो नीचे जो रखते थे। तो यार अभी जो है सो मैं ईंटें लेने आया हूँ हमारे घोंसले बनाने के लिए। ये हमारे कबूतर यहाँ पे बैठे हैं, और वो जो है वहीं पर बैठा है।
तो अभी जो सो ईटें यहाँ पे कुछ पड़ी होंगी, यहाँ पर एक ये पड़ी हो तो ये पड़ी, ये लेके चलते हैं जो सो हमारा मुर्गी का जो नेस्ट बनाते हैं। तो ये देखें जो सो हमने यहाँ पे बना दिया, और जो राफे भाई ये जो सो बुरादा लेके आओ ये, तो उसको जो सो हम रखते हैं यहाँ पर, और जो सो अंदर जल्दी जल्दी डाल के आपको दिखाते हैं। सो राफे भाई आप जो सो डालो, इसमें डाल रहे हो ना, इसमें जल्दी जल्दी सो मास्क पहना है कि इसमें से बहुत धूल मिट्टी होगी। हाँ मैंने तो नहीं बनाया, आपने क्यों बनाया? आप कैमरा बना रहे हो। हाँ चलो अभी जल्दी जल्दी से अंदर डालो, ताकि सो इसके बाद ऊपर हम जैसे हम नेस्टिंग भी जैसा रख देंगे। जल्दी करो यार, जल्दी करो, काम फटाफट होना चाहिए, अच्छा ना लगे। और ये हमारे बजीज को भी इसने जैसे डाल दिया, मैंने बोला था नहीं डालो। चलो अब इसे सही करो बस। हाँ सही है, बस इतना सही है। हाँ और डालो सर, हाँ बस सही है, तो बस इतना सही है ना। हाँ बस सही है, थोड़ा सा और डाल दो। हाँ बस अब इसको जो सो बंद करके वापस स्टोर रूम में जो हम छोड़ देते हैं, और जो सो मुर्गी को लेके आते हैं और उसको जो सो यहाँ पर अपने घोंसले पे बिठाते हैं। तो वो मैं जो सो वापस रखे हैं, और जो हमें दो कबूतर तीनों आ गए, और आप जो सो बोला है वो पट्ठा खुद ब खुद आ जाएगा। फिर यार नीचे ही क्यों उतारा इनको यार? चलो इनको थोड़ी देर के लिए ऊपर बिठाते ताकि जल्दी आ जाए। राफे उसको नहीं उड़ाना था आपको, आपने बड़ी वो की। आप ऊपर जाके बैठ जाएंगे, फिर जो है सो वो जल्दी आ जाएगा, और उसको मुर्गी का इंतजार करते हैं। यहाँ पे आए कहाँ है, ऊपर है ना मुर्गी? नीचे गई है, फिर अभी देखते हैं यहाँ पे बैठती है यहाँ पे नहीं बैठती। तो अभी जो है सो यार वो बच्चा तो नहीं आ रहा है नीचे, और जो हमारी मुर्गियाँ पता नहीं कहाँ नीचे घूम रही है, तो वो जो खुद ब खुद आके अपना जो एक लेकर ना वाला कर देगी। और आपको कैसे लगे हमारे जो सो जो लपड़स के एक चिक्स माशाल्लाह एज हो गए दो हैं, तो जो इंशाल्लाह जैसे ये ठीक से बड़े हो जाएंगे, और जैसे उनका बाकी के जो सो एक दोनों में से भी जो सो बच्चे निकल आएंगे। बस ये थी आज की वीडियो में मिलूंगा देखने में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, ओके अल्लाह हाफिज़। और ये देखें बजी जो ठेली खा रहे हैं, उनका जो आवाज़ आ रहा है टक टक करके, दिखाओ क्या खा रहे हैं। जैसे सीधे हो गए, वरना शॉपर जैसे खा रहे थे, थोड़ा सामने करो तो दिखाई देना भाई।